हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मेरा करतार का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें मैं ऑलरेडी आप लोग को 25 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट आप लोग को कवर करवा दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 25 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट आप लोग को जाकर देख लीजिएगा। ये मेरा फ्रेंड्स 26 नंबर का प्रैक्टिस सेट है जो आप लोग को आज मैं कराऊंगा। तो मैं आप लोग से आशा रखता हूँ, मैं आप लोग से होप रखता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ इस प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और जो स्कोर आप लोग का आता है फ्रेंड्स, जो स्कोर आप लोग का आता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चेंज द नरेशन, मतलब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है फ्रेंड। मोहन सैड टू मी, वाई डिड यू डू इट? तो आप लोग एक बात गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। किसमें है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में एक रूल बताया था फ्रेंड्स कि अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में रहे और वो भी उसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा रहे, डब्ल्यू एच वर्ड मतलब क्या होता है, वाई, वॉट, हाउ, वेयर, वेन, ये सभी जितने भी हैं फ्रेंड्स ये सभी डब्ल्यू एच वर्ड है। तो अगर डब्ल्यू एच वर्ड लगा रहे तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह डब्ल्यू एच वर्ड ही आता है। और ये जो कौन सा, ये सेंटेंस जो दिया हुआ है फ्रेंड्स कौन सा टेंस में दिया हुआ है, तो ये आपका डिड लगा हुआ है, यानी हमको समझ आना है कि ये सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है। कौन सा टेंस में? सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है फ्रेंड्स? सिंपल पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, यानी जिसमें हैड लगा रहता है, हैड प्लस भी थ्री। और ये जो आपका जब ये इनडायरेक्ट में चेंज होगा फ्रेंड्स, ये तो डायरेक्ट में भी है, ये इनडायरेक्ट में चेंज होगा, तो ये जो वाई है तो वाई तो आ जाएगा आपका इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा की जगह, और इसके बाद आ जाएगा क्या, यू। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यू आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं यू आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे आएगा आई हैड डन इट, क्या आएगा, आई हैड डन इट। डू किस में चेंज होगा? डू का भी थ्री डन हो जाएगा। और एक बात आप लोग को और बताते हैं फ्रेंड्स, ये सैड या सैड टू किस में चेंज होता है? अगर ये इंट्रोगेटिव में रहेगा तो सैड या सैड टू किस में चेंज होता है फ्रेंड्स? आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में। तो यहाँ फ्रेंड देखिए, आस्क्ड भी है और इंक्वायर्ड भी है, तब हम आपको राइट आंसर फाइंड आउट करना है कि ये तीनों में से राइट आंसर कौन होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री होगा, क्योंकि क्या रहा है, मोहन इंक्वायर्ड ऑफ मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डब्ल्यू एच वर्ड आया है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था आप लोग को। और देखिए ये सिंपल पास्ट है और इंट्रोगेटिव में है, तो ये किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और असर्टिव सेंटेंस में होगा। तो देखिए यहाँ आई हैड डन इट लिखा हुआ है, ये आपका असर्टिव में है और सिंपल सॉरी पास्ट परफेक्ट को भी फॉलो कर रहा है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा फ्रेंड्स। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग का इडियम फ्रेज से क्या कर रहा है, टू पास द बक, क्या कर रहा है, टू पास द बक, इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स अपनी जिम्मेदारी को, अपना जो उसका बोझ है उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरों पर थोप देता है, यानी दूसरे को दे देता है। तो वैसे बंदे को क्या कहते हैं, तो वैसे को क्या कहते हैं, टू ब्लेम ईच अदर, मतलब अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स वह दूसरे के ऊपर थोप देता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाउडेबल का आपको सिनोनियम फाइंड आउट करना है। किसका सिनोनियम फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स? लाउडेबल का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि लाउडेबल का हिंदी क्या होता है। तो लाउडेबल का हिंदी होता है फ्रेंड्स प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, क्या होता है, प्रशंसनीय। इसका जो राइट सिनोनियम होगा फ्रेंड्स, इसका राइट सिनोनियम होगा हॉनोरेबल, क्या होगा, हॉनोरेबल। हॉनोरेबल का भी हिंदी वही होता है फ्रेंड्स प्रशंसनीय, क्या होता है, प्रशंसनीय। और बात कर ले फ्रेंड्स ये तीनों ऑप्शंस का, तो ब्लेम वर्दी का हिंदी होता है दोष देना, पेंसिव का हिंदी होता है चिंताग्रस्त, एंड फैटिग्यूड का हिंदी होता है, फैटिग्यूड का हिंदी होता है मंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ऑर्नामेंटल का आपको सिनोनियम फाइंड आउट करना है। किसका सिनोनियम फाइंड आउट करना है? ऑर्नामेंटल का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि ऑर्नामेंटल का हिंदी क्या होता है। तो ऑर्नामेंटल का हिंदी होता है फ्रेंड्स सजावटी, क्या होता है, सजावटी। इसका सिनोनियम क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सिनोनियम आई होप कि आप लोग फाइंड आउट कर लिए होंगे। इसका सिनोनियम होगा ऑप्शन नंबर फोर डेकोरेटिव, क्या होता है, डेकोरेटिव। इसका एक सिनोनियम और होता है फ्रेंड्स एडोर, डी ओ आर, एडोर भी, एडोर मींस भी होता है सजावट या फिर सजावटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये तीनों का ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन का हम हिंदी आप लोग को बता देते हैं।
अनसीमली का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? अनसीमली का हिंदी होता है गंदा, और डिसफिगर्ड का हिंदी क्या होता है? डिसफिगर्ड का हिंदी होता है विकृत, और रिवोक्ड का हिंदी क्या होता है? रिवोक्ड का हिंदी होता है वापस लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए आपको एंटोनियम फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है। किसका एंटोनियम? पंजेंट का आपको एंटोनियम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि पंजेंट का आखिर हिंदी क्या होता है। तो पंजेंट का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? तीखा या फिर तीक्ष्ण। क्या होता है? तीखा या फिर तीक्ष्ण। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा माइल्ड। माइल्ड का हिंदी क्या होता है? माइल्ड का हिंदी होता है नम्र। क्या होता है? नम्र। बात कर ले फ्रेंड्स ये तीनों ऑप्शंस का हिंदी का, तो शार्प का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? शार्प का हिंदी होता है तेज। एक्यूट का हिंदी हमको नहीं पता है फ्रेंड्स, आप लोग हमें बताने के लिए कमेंट बॉक्स में आप मेरा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमको इसका मीनिंग पता हो जाए, हमको इसके बारे में नहीं पता है। और बात कर ले फ्रेंड्स पेनेट्रेटिंग का हिंदी क्या होता है, तो पेनेट्रेटिंग का हिंदी होता है तीखा, इस जस्ट लाइक इसका सिनोनियम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेवेज। रिवेज, रिवेज का, रिवेज का आपको हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? तो रिवेज का हिंदी होता है विनाश या फिर विध्वंस करना। क्या होता है? विनाश या फिर विध्वंस करना या फिर उसको बर्बाद कर देना। तो इसका जो एंटोनियम होगा फ्रेंड्स, इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा रिस्टोर। रिस्टोर का हिंदी क्या होता है? रिस्टोर का हिंदी होता है मरम्मत करना। बात कर ले फ्रेंड्स ये तीनों ऑप्शंस का, तो डेवेस्टेट का हिंदी क्या होता है? तो डेवेस्टेट का हिंदी होता है उजाड़ना। डिस्ट्रॉय का हिंदी बर्बाद करना। रेन का हिंदी बारिश। ये आप लोग सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सपोर्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। यानी ये आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें आपको ऐसा ऑप्शन को फाइंड आउट करना है जिसमें जिस ऑप्शन का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। ये आपका ऑप्शन नंबर वन का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। अब आप लोग कहेगा सर ऑप्शन नंबर वन का स्पेलिंग कैसे गलत लिखा हुआ है? तो इन प्रैक्टिकेबल का हिंदी, सॉरी इन प्रैक्टिकेबल का राइट स्पेलिंग होता है फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से दोनों ई को हटा देते हैं, ये वाला ई और ये वाला ई को, तो मेरा इन प्रैक्टिकेबल का स्पेलिंग राइट हो जाएगा आई एम पी आर ए सी टी आई सी ए बी एल ई। इन प्रैक्टिकेबल का राइट मीनिंग ये होता है। ओके आप लोग नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और बात कर ले फ्रेंड्स इन प्रैक्टिकेबल का हिंदी का, तो इन प्रैक्टिकेबल का हिंदी क्या होता है? इन प्रैक्टिकेबल का हिंदी होता है अव्यवहारिक। क्या होता है? अव्यवहारिक। और बात कर ले फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर टू यानी डिलेक्टेबल का हिंदी क्या होता है? तो डिलेक्टेबल का हिंदी होता है मनोरम। और प्रैग्मेटिक का हिंदी बात कर ले फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी का, प्रैग्मेटिक का हिंदी, तो प्रैग्मेटिक का हिंदी क्या होता है? व्यवहारिक। और डेनिग्रेट का हिंदी क्या होता है? तो डेनिग्रेट का हिंदी होता है बदनाम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वन वर्ड से है। आप लोग पहले सेंटेंस का मीनिंग समझिए, हम आपको हर एक वीडियो में कहते हैं वन वर्ड को सॉल्व करते वक्त आप लोग सेंटेंस का अर्थ समझिए। तो देखिए फ्रेंड्स सेंटेंस क्या कर रहा है, वन हु इज ब्रेकर मतलब एक ऐसा आदमी जो बर्बाद करता है। किसको बर्बाद करता है? इमेजेस एंड ट्रेडिशन मतलब हमारे जो पुराने प्रचलन चले आ रहे हैं फ्रेंड्स, जो पुराने प्रचलन के कुछ साक्ष्य जैसे मूर्ति वगैरह फोटो वगैरह हैं उसको बर्बाद करता है। तो वैसे आदमी को क्या कहते हैं? तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? वैसे आदमी को आपको कहते हैं इकोनोक्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी इकोनोक्लास्ट मतलब पूजा पाठ का विरोध करने वाला व्यक्ति जो पुराने साक्ष्य को बर्बाद करने पे तुला हो, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? इकोनोक्लास्ट। बात कर ले फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए का हिंदी का, तो डायनामिक का हिंदी होता है फ्रेंड, डायनेमिक का हिंदी होता है गतिशील। और न्यूज मेकर का हिंदी आप लोग जानते होंगे समाचार बनाने वाला, एंड प्रिसेसिव सॉरी परवर्सिव का हिंदी क्या होता है? तो परवर्सिव का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? परवर्सिव का हिंदी होता है बिगाड़ने वाला। सिर्फ आप लोग को थोड़ा सा कोऑपरेट करना है फ्रेंड्स, हम आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन हम आप लोग को करवाएंगे, बस हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। क्या है? पास्ट टेंस निकालना है। किसका पास्ट टेंस फाइंड आउट करना है? ड्रॉ का। तो ड्रॉ का आपको वी टू फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स, तो इसका जो वी टू होगा ऑप्शन नंबर थ्री वी टू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रूल है आप लोग नोट कर लीजिएगा, आई अप्राइज्ड हिम फिल इन द ब्लैंक द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। तो आप लोग एक रूल नोट कीजिएगा फ्रेंड्स, अप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स। ओके आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ही हैज ग्रेट एंटीबॉडी फिल इन द ब्लैंक्स वाइन। तो इसके साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होगा? इसके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर वन यानी टू फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होगा। ही हैज ग्रेट एंटीपैथी टू वाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो रिच हालांकि वह अमीर है, सी इज नॉट
फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ हर वेल्थ, लेकिन वह जो किसी का वह अपने आप पर गर्व नहीं करता है। तो इसके गर्व का सेंस आपको किसमें दिख रहा है? तो गर्व का सेंस फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी यानी भेन में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ही वॉन्ड द इंस्टीट्यूशन फिल इन द ब्लैंक्स फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा? इसके साथ आपका ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या है? वी हैव ए सीन, वह हम लोगों ने देखा, क्या देखा? ऑफ पिजन्स मतलब कबूतरों का एक झुंड देखा। तो कबूतरों का झुंड को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ब्रेस कहते हैं। बात कर ले फ्रेंड्स ब्रूड किसे कहते हैं, तो ब्रूड बच्चे को, झुंड को ब्रूड कहते हैं। कारवा किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो जितने भी काफिला होते हैं, वादियां होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कारवा कहते हैं। क्लस्टर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो तारों के झुंड को क्लस्टर कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स इक्वल टू क्लस्टर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन्फेंट ऑफ मेयर इज कॉल्ड, मेयर का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? मेयर का हिंदी होता है घोड़ी। क्या होता है? घोड़ी, यानी आपका हॉर्स का फेमिनिन हो गया। किसका फेमिनिन हो गया? हॉर्स का फेमिनिन हो गया। तो मेयर के इन्फेंट मीन्स क्या होता है? शिशु या बच्चा। तो मेयर के बच्चे को क्या कहते हैं? तो मेयर के बच्चों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फिली कहते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो में अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो इसे एक लाइक कर दीजिए, और आप जितने भी सोशल मीडिया यूज करते हैं उस पर हमारे वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि जो भी गरीब स्टूडेंट है फ्रेंड्स, जो ट्यूशन वगैरह नहीं कर पाते हैं, उनको हमारा वीडियो से थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो सके, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं फ्रेंड्स, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।